शनिवार को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। किसी अज्ञात शख्स ने गडकरी को नागपुर स्थित कार्यालय में फोन कर जान से मारने की धमकी दी है। नितिन गडकरी के कार्यालय की ओर से इसकी शिकायत नागपुर पुलिस को दी गई। शिकायत मिलने के बाद में नागपुर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। आरोपी कॉलर को ट्रेस करने की भी यहां पर कोशिश की जा रही है। अज्ञात कॉलर ने 10 मिनट के अंदर 2 बार कॉल करके धमकी दी, वहीं कॉल कुल 3 बार किया गया। समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक धमकी भरे कॉल कार्यालय में सुबह 11:30 बजे और 11:40 के आसपास आए थे। नागपुर के DCP राहुल मदाने ने पूरे मामले की जानकारी देते हुए बताया कि नितिन गडकरी को 3 बार फोन आए थे, डिटेल मिल रहे हैं और हमारी क्राइम ब्रांच CDR पर काम करेगी। मंत्री गडकरी के कार्यक्रम स्थल पर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जालंधर के सांसद संतोख चौधरी का शनिवार को निधन हो गया। वे राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल थे। इसी दौरान फगवाड़ा के नजदीक भाटिया गांव में उन्हें हार्ट अटैक आया। चौधरी को अस्पताल ले जाया गया जहां पर उनका देहांत हो गया। चौधरी के देहांत के बाद भारत जोड़ो यात्रा को रोक दिया गया है। सांसद संतोख चौधरी के निधन से पंजाब को कांग्रेस में शोक की लहर दौड़ गई है। वहीं विपक्षी दलों ने उन्हें सच्चा राजनेता बताया। राहुल गांधी के साथ ही PM मोदी ने भी उन्हें श्रद्धांजलि दी। चौधरी का रविवार को अंतिम संस्कार किया जाएगा। PM मोदी ने कहा कि सांसद संतोख चौधरी के निधन से बहुत दुखी हुआ। उन्हें पंजाब के लोगों की सेवा करने और उनके प्रयासों के लिए याद किया जाएगा। उनके परिवार और समर्थकों के प्रति संवेदनाएं, ओम शांति। दरअसल 76 साल के चौधरी दुआबा में बड़े दलित नेता थे और दूसरी बार सांसद बने थे। वह पंजाब में मंत्री रह चुके हैं। उनके बेटे विक्रमजीत सिंह चौधरी फिल्लौर के विधायक हैं। बिहार में JDU के नेता उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि शरद यादव ने जिनको बनाया था उन्होंने उन्हें आखिरी वक्त में अकेला छोड़ दिया था। जीवन भर उन्होंने दलितों, वंचितों और पिछड़ों के लिए संघर्ष किया। उनका अंत जिस तरह से हुआ है, भगवान ना करे इस तरह का अंत किसी को दे। उन्होंने कहा कि हम कामना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले और उनके परिवार को दुख सहने की शक्ति। वहीं अपने बयान में उन्होंने पार्टी को लेकर भी बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि पार्टी कमजोर हो रही है। उपेंद्र कुशवाहा ने आगे कहा कि सबको मालूम है कि पहले की तुलना में पार्टी कमजोर हुई है, लेकिन इसे मजबूत बनाना है, इस पर पार्टी में चर्चा होगी। बिहार के शिक्षा मंत्री द्वारा रामचरितमानस पर दिए गए बड़े बयान पर छिड़े विवाद पर उन्होंने कहा कि इस बयान से सीधे भाजपा को फायदा होगा। जिन विषयों पर उन्होंने बोला वह भाजपा के एजेंडे में आते हैं। भाजपा के एजेंडे पर बोलने का मतलब है उनकी पिच पर खेलना। अगर हम वहां खेलेंगे तो फायदा किसका होगा। देश भर के साथ ही आंध्र में भी भोगी उत्सव यानी कि मकर संक्रांति भव्यता के साथ में चल रहा है। वहीं आंध्र में विधायक और MP जल संसाधन मंत्री अंबाती रामबाबू ने जिले के सत्तेनपल्ली निर्वाचन क्षेत्र में आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया। उनके नेतृत्व में होलिका दहन किया गया। इसके साथ ही उन्होंने आदिवासियों के साथ में खेलों में भी भाग लिया। इस दौरान उन्होंने फिल्मी स्टाइल में डांस भी किया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस समारोह का विशेष आकर्षक होने के नाते मंत्री अंबाती वहां लोगों का हौसला बढ़ाते हुए भी दिखाई दिए। दरअसल तेलुगु लोग सुबह से ही अलाव जलाकर जश्न मना रहे हैं। सत्तेनपल्ली में संक्रांति समारोह आयोजित किया गया था, जिसमें स्थानीय विधायक और मंत्री अंबाती रामबाबू के अलाव और समारोह का आनंद लेते नजर आए। समारोह में शामिल मंत्री अंबाती रामबाबू ने स्थानीय लोगों के साथ जमकर मस्ती की और इसी क्रम में मंत्री अंबाती बंजारा महिलाओं के साथ डांस करते हुए भी नजर आए। रायबरेली पहुंचे समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि गंगा विलास क्रूज कोई नया क्रूज नहीं है, ये पिछले कई वर्षों से चल रहा है। जानकारी मिली है कि ये 17 साल से चल रहा है और इसमें केवल कुछ हिस्सा जोड़कर कह रहे हैं कि क्रूज हमने बनाया है। BJP के लोग प्रचार करने और झूठ बोलने में बहुत आगे हैं। उन्होंने कहा कि सुनने में आया है कि गंगा विलास क्रूज में बार भी है। BJP पर बड़ा आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि क्रूज में बार है या नहीं, ये तो सिर्फ BJP वाले ही बता सकते हैं। दरअसल सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव आज शनिवार को रायबरेली पहुंचे और इस दौरान उन्होंने BJP को एक बार फिर से आड़े हाथों लिया। अखिलेश यादव ने कहा कि BJP को जनता नहीं चाहती है, BJP महंगाई पर जवाब नहीं देना चाहती है। उन्होंने कहा कि BJP बेरोजगारी पर जवाब नहीं देना चाहती है। BJP जब हार जाती है तो पुलिस को आगे कर देती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज देहरादून में भूतपूर्व सैनिक दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम में राजनाथ सिंह ने कहा कि जब मेरे यहाँ आने की रूपरेखा बन रही थी तो मुझसे पूछा गया कि देहरादून में भूतपूर्व सैनिक दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और वहाँ पर काफी ठंड है, तो मैंने कहा ठंड से मुझे क्यों डराया जा रहा है। मैं गृह मंत्री रहते हुए -14 डिग्री तापमान में रात को रुक चुका हूँ।
तो फिर देहरादून में आने से मुझे किस प्रकार का भय होना चाहिए? रक्षा मंत्री ने अपने संबोधन में कहा, कारगिल युद्ध में दुश्मनों को धूल चटाने में उत्तराखंड के जवानों ने बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। राष्ट्र की वेदी पर जब आहुतियां पड़ने लगी तो क्या देहरादून, क्या पिथौरागढ़, क्या उत्तरकाशी, क्या उधम सिंह नगर, यानी समस्त उत्तराखंड के जवान अपनी जान हथेली पर लेकर खड़े हो गए। हमारे उत्तराखंड के जवानों और पूर्व जवानों का हौसला, उनका जोश और उनका साहस सबसे ऊंचा है। दिल्ली से अलीगढ़ की ओर जा रही पद्मावत एक्सप्रेस में एक मुस्लिम कारोबारी की बेरहमी से पिटाई का मामला सामने आया है। चलती ट्रेन में यात्री के साथ मॉब लिंचिंग की यह घटना सामने आई। मुस्लिम कारोबारी का आरोप है कि जय श्री राम का धार्मिक नारा न लगाने पर उसकी जमकर पिटाई की गई। मुस्लिम कारोबारी का कहना है कि ट्रेन में भारी भीड़ के बीच कोच में घुसे कुछ युवकों ने उसे चोर बताया और उस पर हमला बोल दिया, उसके कपड़े फाड़ डाले और बेल्ट से जमकर पिटाई की। उसे धार्मिक नारे लगाने के लिए मजबूर किया गया और ऐसा ना करने पर इतना पीटा कि वह बेहोश हो गया। घटना का वीडियो भी वायरल हुआ है। दिल्ली से प्रतापगढ़ जा रही पद्मावत एक्सप्रेस ट्रेन में हापुड़ गढ़मुक्तेश्वर के निकट ये घटना हुई है। पीड़ित यात्री को मुरादाबाद रेलवे स्टेशन पर फेंक दिया गया। हालांकि बाद में आरोपी युवकों को जीआरपी एक्सकोर्ट ने बरेली रेलवे स्टेशन पर उतारकर हिरासत में ले लिया। राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से हिट एंड रन मामला सामने आया है, जिसके बाद सुरक्षा के नजरिए से पुलिस पर एक बार फिर से सवालिया निशान खड़े हो गए हैं। दिल्ली में एक कार सवार युवक ने एक युवक को टक्कर मार दी और बात सिर्फ यहीं पर खत्म नहीं हुई। टक्कर मारने के बाद युवक आधा किलोमीटर तक घसीटते चला गया। मामला दिल्ली के राजौरी गार्डन का बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक युवक को टक्कर मारने के बाद कार के बोनट पर आधा किलोमीटर तक घसीटा गया। फिलहाल मामले में पुलिस की तरफ से कोई बयान जारी नहीं किया गया है। जानकारी हो कि इससे पहले भी 1 जनवरी 2023 को हिट एंड रन का मामला सामने आया था, जिसमें चार कार सवार युवकों ने एक युवती को टक्कर मार दी थी और युवती को करीब 12 से 15 किलोमीटर तक घसीटा था। हादसे में युवती की मौत हो गई थी और मामले में पुलिस की कार्रवाई पर भी सवाल उठे थे, जिसके बढ़ने के बाद में ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों को सस्पेंड भी किया गया। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने शनिवार को बीजेपी मुख्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। आप कार्यकर्ता डीडीए के नोटिस के खिलाफ बीजेपी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे। आपका आरोप है कि बीजेपी ने चुनावों से पहले जहां झुग्गी वहीं मकान का वादा किया था, लेकिन अब वहां बीजेपी झुग्गियों को तुड़वा रही है। आप कार्यकर्ता डीडीए के झुग्गियों को तोड़ने के नोटिस के खिलाफ बीजेपी ऑफिस के बाहर इकट्ठे होकर प्रदर्शन करने लगे। वहां मौजूद कुछ कार्यकर्ता ने बैरिकेड्स पर चढ़कर बीजेपी ऑफिस में घुसने की कोशिश भी की, जिसे वहां सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों ने नाकाम कर दिया। आप नेताओं ने कहा कि हमारी मांग है कि जो लोग दशकों से कॉलोनियों में रह रहे हैं उन्हें ना हटाया जाए। बीजेपी के इशारे पर डीडीए असंवैधानिक तरीके से काम कर रही है, हम इसकी निंदा करते हैं। सीएम अरविंद केजरीवाल ने सभी सांसदों और विधायकों और उसके साथ ही पार्षदों को आदेश दिया है कि अन्याय के खिलाफ खड़े रहें। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने उनके दफ्तर पर सीबीआई रेड का आरोप लगाया है। उन्होंने शनिवार शाम 4 बजे ट्वीट करते हुए कहा कि आज फिर सीबीआई मेरे दफ्तर पहुंची है, उनका स्वागत है। इन्होंने मेरे घर पर रेड कराई, दफ्तर में छापा मारा, लॉकर तलाशे, मेरे गांव तक में छानबीन करा ली। मेरे खिलाफ कुछ नहीं मिला है, ना मिलेगा, क्योंकि मैंने कुछ गलत नहीं किया है। ईमानदारी से दिल्ली के बच्चों की शिक्षा के लिए काम किया है। वहीं सीबीआई के सूत्रों ने छापेमारी से इनकार किया है। सीबीआई की तरफ से कहा गया है कि सिसोदिया के परिसरों में कोई छापेमारी नहीं की गई है। दस्तावेज जमा करने के लिए धारा 91 सीआरपीसी नोटिस जारी किया गया था। टीम इन्हीं दस्तावेजों को लेने के लिए सिसोदिया के कार्यालय गई थी। बता दें कि दिल्ली की चर्चित शराब नीति में गड़बड़ी के मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई जांच कर रही है और इस मामले में सीबीआई ने मनीष सिसोदिया समेत कई लोगों पर केस दर्ज किया था। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।